हमारा परिवार पर वार करके वो ये सोची कि हमको रोक सकती है, लेकिन हम किसी भी हालत में अपना फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। अब आप लोग आशंकाओं से डरना छोड़िए और अपना अपना रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट लाकर हमको दीजिए। जी। कहा है मैडम? शिकायत पेटी में इतना ही पत्र है। अब कहा बताएं मैडम, जनता के मन में डर बैठ गया है कि जब शहर की बीड़ियों के पिताजी सुरक्षित नहीं है तो उनका कहा होगा। लेकिन एक बात है मैडम, आपका हिम्मत देख के ना हमारे में हिम्मत आ गया है। ठीक है, जो आपको चाहिए इसमें वो सब ब्योरा है जो आप हमसे हम सब से बनाने को बोले थे। वो कहा है मैडम, अब आप सबका आ छुपाए आ घूसखोरी के लिए ना इन सांपों और जगरों का आ कुंडली बनाकर रखना ही पड़ता है। फाइल में ना वो सब ब्यौरा है कि कौन का क्या करता है और किसके छत्र छाया में करता है, सब मिलेगा आपको मैडम जी। अच्छा, हम आपसे जो समुदाय केंद्र और आंगनबाड़ी का लिस्ट बनाने के लिए बोले थे वो तैयार हो गया? वो तो हम कल ही बना लिए थे। बहुत अच्छा, एक काम कीजिए, मिथिलेश जी के साथ मिलकर अनियमितता मामला का एक लिस्ट बनाइए और उस सब लोग को एक एक नोटिस भिजवा दीजिए। हाँ। और बाकी सब लोग को बोलिए कि इसका डिटेल बनाकर जल्दी से हमको भिजवा दे ताकि आगे का कार्रवाई हो सके। हाँ। हाँ। चौबे जी, आप ये सब काम बहुत अच्छा से किए हैं। शाबाश। आप जो हमारे साथ की हैं, आज हम उसका जवाब देने आए हैं। आपके लिए तोहफा लाए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद कृष्णा, बोलो क्या बात है सर। सर, हम कोई कार्रवाई करने के लिए स्पेशल परमिशन का जरूरत होगा। ठीक है, तुमको जो उचित लगता है तुम वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।
ना तू थकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। माँ चलिए ना कुछ खा लीजिए। माँ पिंटू जी का फोन आया था ना, चाचा जी को डिस्चार्ज मिल गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब चिंता तो होगा ही ना। विद्या बाबू को जितना मार लगा है उससे मामला सीरियस हो सकता था भाई। अब क्या करें, इस उम्र में भी विद्या बाबू को ये सब झेलना पड़ रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि घर वालों के भाग की वजह से उनका जान बच गया। अब आजकल का औलाद ये सब समझे तब ना कि उनके कारण माँ बाप को काका झेलना पड़ सकता है। ड्यूटी, ईमानदारी, ये सब समझ में आता है, पर उसके कारण इस उम्र में बाप का क्या हाल हुआ है ये समझ में नहीं आता है। अरे गंगा देवी, उल्टा सीधा धंधा करने वालों से ये डायरेक्ट दुश्मनी लेना कहाँ का समझदारी है बताइए। तो आपके हिसाब से क्या किया जाए? बेईमान और भ्रष्ट लोगों को समाज में खुला छूट दे के घूमने दिया जाए, और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को डर के घर में बैठ जाने के लिए कह दें। बबलू बेटा, अपने बाबूजी को समझने की कोशिश करो। माँ, अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लग जाएंगे तो किसी के लिए कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। अपने ही शहर को देख लो, भ्रष्टाचार महामारी की तरह फैला हुआ है। अब ऐसे में जब कृष्णा माहौल को बदलने का प्रयास कर रही है तो हम लोग को उसका मदद करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उसका आलोचना करना चाहिए। ठकुराइन जी, ये देखिए डिजाइन कैसा लगा जरा बताइए। अगर अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारे मुंह का डिजाइन नहीं बिगाड़ देते हम। क्या लगा है? डिजाइन विजाइन छोड़ो, ये बताओ फैक्ट्री कब तैयार होगा हमारा? अब जितना जल्दी जमीन मिल जाएगा उतना जल्दी फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। सामने आ, जमीन कहाँ है? नहीं हुआ बे कि वो जमीन का मालिक तनिक नखरा कर रहा है जमीन बेचे में। अरे तो हम तुमका खिला पिला के मुस्टंडा काहे बनाए हैं? तुम अपना पंजा काहे नहीं मारे? जल्दी ही हम उसको रास्ता पे ले आएंगे ठकुराइन। रास्ता पर नहीं नलाना है, हमरा कहा रास्ता बताना है। जी जी ठकुराइन। बहुत जल्दी समझ रहा है तू बात? शाबाश। हाँ तो इंजीनियर साहब, आपको कुछ चाहिए? जी नहीं नहीं नहीं, बस आज्ञा चाहिए। आज्ञा दिया जी। जाओ अब काम पे लगो, चलो। कैसा जंगली आदमी है, कैसा खा रहा है, गिद है रे तू? तुम्हारा बड़ा भैया उधर वहां मृत्यु सैया पर लेटा है और ये आदमी क्या बैठ के मुफ्त का आम चूस रहा है? बोलो। ठकुराइन का है ना, पूरा भागलपुर जानता है कि हम आपके आदमी, तो ऐसे में वहां जाएंगे तो फालतू में बवाल होगा, और आपका नाम भी तो आ सकता है, इसीलिए हम मन महसूस के यहाँ बैठ गए। अब कहलवा दिए कि हम मुजफ्फरपुर में गए हैं, अब वो घर आ गए हैं ना, तो वहां जाके अफसोस का दुआ शुरू हो देंगे और क्या। तुम ना तो तस्वीर अफसोस मनाते हुए एक तो तस्वीर हमको दे जाओ। काहे?
कहाँ है हड़ियाल का आंसू, हम कहावत सुने हैं लाइव देखे नहीं है, तुम्हारा फोटो देखेंगे तो कड़ियाल का आंसू। आप भी ना, हम चलते हैं। अरे आप ले जाओ ले जाओ, इजे हमारा झूठा वाला ही लेके जाते हैं। आप खुश रहो, जाओ ऐ पान खिला रे, चल। बेटा हम तो अभी आए हैं, कहा है हम तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे थे, यहाँ से संदेश आ गया, सर यहाँ आ गए। भैया कैसे हैं? सुना बड़ा जोर का मार लगा है। अरे कृष्णा बनवाया है पान, कितना चूना लगा इधर। इससे पहले कि कोनो हंगामा हो, निकल लो बिहारी राज, इसी में भलाई है। आप जो हमारे साथ की हैं, आज हम उसका जवाब देने आए हैं। डरने का जरूरत नहीं है, हमारे हाथ में ना तो कोई बंदूक है और ना ही कोई धमाके का सामान। आपके लिए तोहफा लाए। राष्ट्रपिता है, पूरा देश इनको बापू कहता है। इनका सिखाया हुआ बात अहिंसा परमो धर्म, लेकिन आपको तो पता नहीं होगा। एक राय देते हैं, ये तस्वीर को अपना घर में लगाइए और इनका बताया हुआ रास्ता पर चलिए। हम भी इन्हीं का बताया हुआ रास्ता पर चलते हैं। हमको हिंसा पर बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएंगे और इस लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। अहिंसा के सामने तो अंग्रेज लोग का फौज भी नहीं टिका, तो फिर आपका ये चार गुंडा और आप क्या टिकेंगे? फाइल देख रही हैं? इसमें भागलपुर का हर बुरा और गलत आदमी का ब्योरा है। इस लिस्ट का लगभग हर आदमी का तार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ। आप जितना हमारा रास्ता में रोड़ा डालेंगी, उतना ही तार उलझता जाए और हमको उतना ही हमारे मकसद के करीब पहुंचाए। हमारे पापा पे हमला करके आप हमारा मनोबल और बढ़ा दें कि हम आप जैसा लोग के खिलाफ मोर्चा खोल सके। देखते सत्य और अहिंसा का जीत होता है या नहीं। हम तो सोच सोच के परेशान हो गए। कौन हो सकता है जो इतना निर्दय है? माओ जो भी हो, अब पुलिस से नहीं बच पाएगा। पिंटू, विद्या चाचा कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं। हम उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर छोड़ के आए। और कृष्णा कहाँ है? वो ऑफिस गई है,
उसको कोई जरूरी काम था। अरे 3 रात से उसको आराम नहीं मिला है, उसको समझना चाहिए कि... कृष्णा कुछ पता चला विद्या चाचा के साथ ये सब कौन करवाया था? पुलिस अपना जांच कर रही है। अरे पुलिस तो अपना जांच करती रहेगी, लेकिन हमको ये जानना है कि ये सब किसने किया। हम जानते हैं ये सब कौन किया। कृष्णा थोड़ी परेशान है ना, तो पिंटू जी उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पर न जाने काहे कृष्णा पिंटू जी से सिक्का चाची के बारे में पूछ रही थी। तुमको पता है कृष्णा, तो बताओ किसने किया। माँ जी हमारे पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए हम नहीं बता सकते। अरे यहाँ तो पुलिस नहीं ना, हम सब परिवार है, बताओ तो सही। हाँ हाँ छोटी दुल्हन बताइए ना, कौन है, कौन किया है, बताइए। अजब, हम अभी आते हैं। समझ में नहीं आता ये कृष्णा ऐसा बर्ताव काहे कर रही है। अरे नहीं माँ, उसके बाबूजी के साथ इतना कुछ हुआ है, वो सदमे में है। हाँ माँ, और कितना रात से वो सोई भी नहीं है और अस्पताल से सीधा ऑफिस चली गई, शायद इसीलिए। सरगम आप जरा कृष्णा को देख लीजिए, उसका तबीयत तो ठीक है ना? कोई तो बात है। सब ठीक है ना? तुम परेशान काहे हो? परेशान नहीं है। तो फिर तुम खोई खोई काहे नजर आ रही? नीचे भी तुम बिना जवाब दिए चली आई। कृष्णा हमको बताओ बात का है। अगर आपको पापा पर हमला करने वाले अपराधियों के बारे में पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? उसका टांग तोड़ देंगे, ऐसा मार मारेंगे कि जिंदगी भर उठ नहीं पाएगा, उसका आत्मा तक कांपेगा। बस तुम हमको यही बता दो ये सब किसने किया है। हमको नहीं पता। लेकिन अभी तो तुम बोली कि तुमको पता है। हाँ लेकिन हम ये भी तो बोले कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप इस सिक्का ठाकुरान को कब से जानते हैं? बचपन से। लेकिन तुम ये सब काहे पूछ रही हो? बस ऐसे। कृष्णा अगर तुमको शक है कि जो कुछ भी विद्या चाचा के साथ हुआ वो सिक्का ठाकुरान करवाई है तो हमको नहीं लगता। वो कहा ना सिक्का ठाकुरान जो कुछ भी करेगी वो डंके की चोट पे करेगी, चोरी छुपे नहीं। एक काम करो, पुलिस का जांच का इंतजार करते हैं, उसके बाद सच तो सबके सामने आ ही जाएगा। चलिए ना पापा को देख के आते हैं। ठीक है
तुम अभी भी आई हो, फ्रेश हो लो, हम भी कपड़े चेंज कर लेते हैं। बस 5 मिनट में। क्या बात है, आप घबराई कहाँ हैं? कृष्णा ठीक है ना? वो कहा है ना, कृष्णा थोड़ी परेशान है ना, तो पिंटू जी उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पर न जाने काहे कृष्णा पिंटू जी से सिक्का चाची के बारे में पूछ रही थी। मैं अफसर बिटिया।